गुड मॉर्निंग एवरीवन आज हम फार्मेकोलॉजी का टॉपिक एंटी एमेटिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं इसके पहले हमने एमेटिक्स डिस्कस किए थे एमेटिक्स ऐसे सब्सटेंस थे जो वॉमिटिंग को प्रोड्यूस कर रहे थे इंड्यूस कर रहे थे जिसे हम फूड पॉइजनिंग या पॉइजन इंजेशन के केसेस में यूज़ कर रहे थे एंटी एमेटिक्स ऐसे ड्रग हैं जो वॉमिटिंग को स्टॉप करते हैं वॉमिटिंग किन किन केसेस में हो सकती है जैसे कुछ ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं नोज़िया वॉमिटिंग होना या प्रेगनेंसी के दौरान हारमोन्स की वजह से वॉमिटिंग हो रही है जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस कहेंगे ट्रैवलिंग के दौरान वॉमिटिंग हो रही है जिसे हम मोशन सिकनेस कहेंगे या सर्टेन इन्वायमेंटल फैक्टर्स जैसे कि डेड एनिमल्स की स्मेल और सर्टेन स्ट्रॉन्ग स्मेल्स उनकी वजह से भी वामिटिंग हो सकती है वॉमिटिंग के मैनेजमेंट अप्रोचेस की बात की जाए जो एक्चुअल कोज है उसको आइडेंटिफाई करना और ट्रीटमेंट करना फ़ॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल फैक्टर्स है डेड एनिमल की स्मेल है तो उसे एलिमिनेट करना उसे हटाना जीआईटी में इंफ्लामेशन हो रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करना या पेन रिलीफ मेडिकेशंस देना एक्सेट्रास सपोर्टिव मैनेजमेंट में हम देख सकते हैं कि अगर वॉमिटिंग ज़्यादा होगी तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो जाएगा सो so, इसलिए रिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग करना भी उतना ही ज़रूरी है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में एंटी एमेटिक्स ड्रग्स तो हैं ही चलिए बात करते हैं डेफिनेशन की ड्रग्स विच प्रिवेंट और कंट्रोल सप्रेस वॉमिटिंग आर नॉन एज एंटी एमेटिक ड्रग्स क्लासिफिकेशन, एंटी कॉलिनर्जिक्स एंटी कॉलेनर्जिक्स ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि नर्व इम्पल्स के कंडक्शन को ब्लॉक कर देती है वॉमिटिंग सेंटर्स तक नहीं जाने देती जब हमने एम एस एस पढ़ा था या एमेटिक ड्रग्स पड़ी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि वॉमिटिंग होती क्यों है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर वहाँ पर स्टिमुलेशन पहुँच जाते हैं तो सी टी जेड जो है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन स्टिमुलेट होता है और उसकी वजह से ही वॉमिटिंग होती है सो एंटीकोलनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं नर्व इम्पल्सिस के कंडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं यानी कि ये सी टी जेड तक स्टीमुलेशन को नहीं जाने देते जिससे वॉमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट नहीं होता और वॉमिटिंग रुक जाती है इसमें हायोसिन एंड डाइसाइक्लोमिन है एक फॉर एग्जांपल और हायोसिन बेसिकली मोशन सिकनेस के लिए यूज़ की जाती है सेकंड कैटेगरी है एंटी हिस्टामिन एंटी हिस्टामिनस ये हिस्टामिन न्यूरो को ब्लॉक कर देते हैं वॉमिटिंग सेंटर्स पर नहीं जाने देते और वामिटिंग सेंटर पर सिडिटिव इफेक्ट देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल साइक्लिजिन डाईफिनइल हाइड्रामाइन मैक्लोजिन प्रोमिथाजिन हाइड्रोक्सीजिन थर्ड कैटेगरी है न्यूरोलैप्टिक्स न्यूरोलैप्टिक्स डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं ये एंटीसाइकोटिक टाइप के ड्रग हैं जो सी एन एस को डिप्रेस कर देते हैं जिससे स्टीमुलेशनस नहीं पहुंच पाते वॉमिटिंग सेंटर स्टीमुलेट नहीं हो पाता और वोमिटिंग स्टॉप हो जाती है क्लोरप्रोमाजिन प्रो क्लोरपैराजिन इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं प्रोकाइनेटिक ड्रग्स और डोपामिन एंटागोनिस्ट प्रोकाइनेटिक ड्रग्स ये क्या करते हैं जी की जो कंटेंट है उनकी स्पीड को फास्ट कर देते हैं जब स्पीड फास्ट हो जाएगी तो जल्दी जल्दी जी कंटेंट आगे की ओर बढ़ेगा और रिफ्लक्स के चांसेस कम हो जाएंगे जैसे मेटा क्लोप्रामाइड सीसाप्राइड टैगोस्टिरड नेक्स्ट है फाइव एच टी थ्री एंटागोनिस्ट फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन इसके अंदर ऑन्डान स्टिरॉन ग्रैनी है ये क्या करते हैं ये कीमोथेरापिटिक ड्रग्स होते हैं जैसे कैसे कैंसर जीरो कीमोथेरापी है या रेडिएशन थेरेपी चल रही है उस समय पर इनको दिया जाता है ऑनडान मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है तो ये कैंसर सेल को जब डैमेज करते हैं तो वहाँ पर से कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जैसे 5-HT3 जिसे हम 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन कहेंगे कीमोटैक्सिस जैसे केमिकल्स निकलते हैं ये केमिकल्स क्या करते हैं सी टी जेड को स्टिमुलेट करते हैं कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करते हैं जिसकी वजह से वॉमिटिंग होती है और फाइव एच टी थ्री एंटागोनिस्ट क्या करते हैं अगेंस्ट काम करते हैं एंटागोनिस्ट का मतलब अगेंस्ट काम करना किसके अगेंस्ट फाइव एच टी थ्री के अगेंस्ट काम करते हैं जो फाइव एच टी थ्री मॉलिक्यूल की वजह से सी टी जेड स्टीमुलेट हो रहा था वॉमिटिंग हो रही थी तो फाइव एच टी थ्री एंटागोनिस्ट इसके अगेंस्ट काम करते हैं और वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट नहीं होने देते और इस वजह से वामिटिंग स्टिमुलेट नहीं हो पाती और वामिटिंग स्टॉप हो जाती है इसके अंदर ओन्डांसटिरॉन ग्रैनीस्टिर डोलास्टिरॉन है नेक्स्ट एडजंट एंटी एमेटिक्स इसके अंदर है डेक्सामिथासोन बेंजोडाइजिपिनस और कैनाबिनॉइड्स ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एंटी एमेटिक ड्रग्स के साथ दिए जाते हैं ताकि उनका इफेक्ट बढ़ जाए मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ये क्या करते हैं नर्व एम्पल्स के कंडक्शन को ब्लॉक कर देते हैं वॉमिटिंग सेंटर्स तक नर्व एम्पल्स को जाने ही नहीं देते हमने पढ़ा था पहले कि वॉमिटिंग होती कैसे हैं मेडुला ओब्लॉन्गेटा के अंदर वॉमिटिंग सेंटर होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होते हैं और इनके स्टिमुलेशन से ही वॉमिटिंग होती है तो एंटीकोलनर्जिक जो ड्रग्स हैं वो नर्व के इम्पलसेस को वहाँ तक पहुँचना ही नहीं देते जिसकी वजह से वॉमिटिंग नहीं होती है नेक्स्ट एंटी हिस्टामिनस ये हिस्टामिन न्यूरोप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं वॉमिटिंग सेंटर्स पर सीडेशन का इफ़ेक्ट देते हैं जिसकी वजह से वॉमिटिंग नहीं हो पाती नेक्स्ट प्रोकाइनेटिक एजेंट्स प्रोकाइनेटिक ड्रग्स क्या करती हैं कि जीआई कंटेंट की स्पीड को फास्ट कर देती है मतलब गैस्ट्रिक कंटेंट को फास्ट फास्ट आगे की ओर मूव कराती है प्रोपेल करती है ताकि गैस्ट्रिक कंटेंट का रिफ्लक्स ना हो सके नेक्स्ट फाइव एच टी थ्री एंटागोनिस्ट फाइव एच टी थ्री एंटागोनिस्ट मेनली कैंसर कीमोथेरेपी में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पर क्या होता है कि कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स जो हैं कीमोथेराप्यूटिक ड्रग्स हैं उनकी वजह से कैंसर सेल्स को डैमेज किया जाता है और जब कैंसर सेल डैमेज होती है तो वहाँ पर कुछ सिग्नल मॉलिक्यूल्स निकलते हैं जैसे फाइव एच टी थ्री मीन्स फाइव हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन कीमोटैक्सिस ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को स्टिमुलेट करते हैं और उसकी वजह से वॉमिटिंग होती है तो ये जो पाथवे हुआ इसके अगेंस्ट काम कौन करेगा फाइव एच टी थ्री एंटागोनिस्ट फाइव एच टी थ्री एंटागोनिस्ट इसके अगेंस्ट काम करेगा और ये सी टी जेड को स्टिमुलेट नहीं होने देगा जिससे वॉमिटिंग नहीं होगी नेक्स्ट न्यूरोप्टिक्स न्यूरोप्टिक्स डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी होते हैं जो सी एन एस को डिप्रेस करते हैं स्टिमुलेशन को डिक्रीज uh, करते हैं जिससे सी टी जड स्टिमुलेट नहीं होगा वॉमिटिंग नहीं होगी नेक्स्ट एडजुन एंटी एमेटिक्स एडजुइट एंटी एमेटिक्स जो है वो एंटीएमेटिक एमेटिक ड्रग्स का इफेक्ट बढ़ा देती जैसे है जैसे ओन्डानस्टिरन है मेटाक्लोप्रोमाइड है इनके साथ में ये दी जाती है जिससे इनका एंटी एमेटिक इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है इंडिकेशंस की बात की जाए तो फाइव एच एंटागोनिस्ट का मेनली यूज़ कैंसर कीमोथेरेपी से रिलेटेड वामिटिंग के लिए होता है सेकंड एंटी हिस्टामिनस का यूज़ मेनली मोशन सिकनेस मॉर्निंग सिकनेस और पोस्ट ऑपरेटिव वामिटिंग के लिए होता है मेटा का यूज़ एनजी ट्यूब फीडिंग के दौरान और गैस्ट्रो ईसोफिजियल रिफ्लक्स डिजीज में होता है एंटीकॉलनर्जिक्स का यूज़ ट्रैवल सिकनेस जिसे हम मोशन सिकनेस भी कहेंगे उसके लिए होता है न्यूरोप्टिक्स का यूज़ ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग या हाइपर एम एस ग्रेविडेरम हाइपर एम ग्रेविडेरम क्या है प्रेगनेंसी के कंडीशन में फैक्टर्स कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वॉमिटिंग ज़्यादा हो जाती है बहुत ज़्यादा हो जाती है उस कंडीशन में न्यूरोप्टिक्स का यूज़ किया जाता है और पोस्ट एनेस्थेटिक कंडीशंस में भी का यूज़ किया जाता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन्स हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग्स रीनल इंपेयरमेंट और कुछ केसेस के अंदर मेटाक्लोरोमाइड भी कॉन्ट्रेंडिकेट होती है ड्रग इंट्रैक्शन एंटी इस्टामस को अगर अदर सी एन एस डिप्रेशन जैसे कि ओपियोइ सीटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग्स के साथ देने पर सी एन एस का डिप्रेशन इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा मतलब एंटी इस्टामिन तो क्या कर रही थी हमने मोडो फैक्शन में देखा एंटी स्टामिन सीटिव इफेक्ट दे रही थी सी एन एस को डिप्रेस कर रही थी अगर और जो ड्रग्स भी चल रही हैं जैसे ओपीओ चल रही है सेडेटिव चल रही है हिपनोटिक्स तो ये भी सी को डिप्रेस कर रही है फिर एंटीस्टामिक्स भी सी को डिप्रेस करेगी तो सी का डिप्रेशन इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाएगा मेडाक्लोप्रोमाइड एस्प्रिन और डाइजीपाम का एब्जॉर््पन को इंक्रीज़ कर देती है और डिजॉक्सिन के एब्जॉर््शन को डिक्रीज़ कर देती है एडवर्स इफेक्ट हाइपोटेंशन कॉन्स्टिपेशन माउथ ड्राइनेस ब्लड विजन अक्यूट मसल डिस्टोनिया रेक्टल इरीटेशन वर्टिगो लूज स्टूल्स गाइनिकोमैस्टिज्म एबडामिनल अपसेट कार्डियक अरिदमिया एंड सीडेशन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की जाए तो सबसे पहले पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग के लिए असेस करना है उसका फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के लिए असेस करना है और औरल एंटीमेटिक्स एक घंटे पहले देना है ऐसी कंडीशन से जहाँ पर वॉमिटिंग होने वाली हो जैसे ट्रैवल सिकनेस है तो एक घंटे पहले ही आप एंटीबैमेटिक्स को ले लें तो ये सब पेशेंट की नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है